नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, हिस्ट्री के मास्टर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों की जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आप हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास साझा जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने यार दोस्तों और मित्रों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो दोस्तों, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, जो कि दोस्तों त्रायन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गोरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने, क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने इस कार्य को संपूर्ण करवाया था, यानी कि पूरा करवाया था। इसके बाद में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कुछ मंजिलें इसमें निर्माण करवाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान, यानी कि दोस्तों उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठती है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि जनता के निर्णय लेकर सुल्तान के रूप में रजिया सुल्तान को चुना गया, यानी कि दोस्तों इनको चुनने के लिए जनता का निर्णय लिया गया। दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अपने सिक्के पर उमदत उल विश्वा का विरोध धारण किया और 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और उसके पति जो कि बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया थे, उनको डकैतों ने कैथल के निकट वध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने राज किया, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी के अंदर था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों, किसकी बेटी थी? अल्तमस की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की और बलबन की। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अल्तमस की। दोस्तों, अल्तमस को ही इल्तुतमिश भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम और दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। रजिया बेगम प्रथम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली और साथ में ही रजिया सुल्तान ने पर्दा फर्दा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में बिना चेहरे ढके जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन है नासिरुद्दीन अल्तमस, कुतुबुद्दीन ऐबक और मलिक काफूर। तो दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, त्रायन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ही मोहम्मद गोरे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया और दोस्तों विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? बलबन की, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की और रुकनुद्दीन की। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा
इल्तुतमिस यानी कि दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिस की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। दोस्तों वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठती है और गद्दी पर बैठने के बाद में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता ने पहली बार निर्णय लेकर सुल्तान बनाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद का काल बलबन का उत्कर्ष काल माना जाता है। दोस्तों 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया था। इस अवसर पर उलुग खां की उपाधि एवं दरबार में उच्च पद दिया गया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा और सुल्तान बनने से पहले बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस, बलबन या नासिरुद्दीन? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिस के शासनकाल में। तो दोस्तों मंगोल नेता चंगेज खान ने ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह है चिहाल गाने के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों किसे दिया जाता है श्रेय? बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिस को, रजिया सुल्तान को? दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलबन है। यानी कि दोस्तों इल्तुतमिस ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया। दोस्तों इसमें 40 सदस्य होने के कारण इसे 40 दल कहा गया। दोस्तों शासक बनने से पूर्व बलबन भी इस गुट का सदस्य था तथा सुल्तानों और सरदारों के मध्य हुए संघर्ष में सक्रिय भाग लिया करता था। दोस्तों शेर खां की मृत्यु के बाद में ये 40 सदस्यों का गुट संपूर्ण तरीके से नष्ट हो चुका था। दोस्तों ये थे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आया हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।